Hello everyone, I am Dr. Neelam and today I am here with the topic Life Science Curriculum. Curriculum क्या है के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम फोकस करते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम. करिकुलम को अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो करिकुलम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू करिकुलर एक्टिविटीज एंड द को करिकुलर एक्टिविटीज. Co-curricular activities, as we know, all kind of scholastic activities means all activities which are related to the studies. जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो curricular activities कहलाती हैं. इसके अलावा जितने भी खेलकूद संबंधी जैसे कि games, sports और कल्चरल एक्टिविटीज, जितने भी नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज हैं दे कम्स अंडर द को करिकुलर एक्टिविटीज. सो करिकुलम क्या है? करिकुलम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज एक्टिविटीज, करिकुलर एज वेल एज द को करिकुलर एक्टिविटीज. इफ वी सी द डेरिवेशन ऑफ टर्म करिकुलम, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरे विच मीन्स अ रेस और द कोर्स ऑफ अ रेस. अगर हम एजुकेशन के संदर्भ में करिकुलम वर्ड की इस डेरिवेशन को देखें तो करिकुलम इट सिग्निफाइज अ रेस कोर्स, अ काइंड ऑफ ट्रैक जिस पर दौड़कर एक छात्र, एक बच्चा अपने एजुकेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है. हम ये भी कह सकते हैं करिकुलम क्या है. करिकुलम सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कहें तो करिकुलम हमारा सिलेबस होता है. इट इज द कोर्स ऑफर्ड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं. करिकुलम की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो कि यहाँ हमारे पास है वो दी है कनिंगम ने, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर थे. उनके अकॉर्डिंग करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट. आर्टिस्ट कौन है? टीचर. टू मोल्ड हिज मटीरियल. मटीरियल क्या है? स्टूडेंट, द प्यूपल. अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स. आइडियल्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम. इन हिज स्टूडियो. स्टूडियो क्या है? द स्कूल. सो इन्होंने अध्यापक को एक कलाकार की संज्ञा दी है और कलाकार क्या करता है? अपने आइडियल्स, अपने एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हिसाब से अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को स्कूल में जो है गढ़ता है एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए. ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एक और स्कॉलर की जो है हेनरी जे ओटो. उन्होंने क्या कहा है? द करिकुलम मे बी कंसिडर्ड एज द व्हीकल. यहाँ पे उन्होंने एक व्हीकल की संज्ञा दी है करिकुलम को. वेयर बाय एंड थ्रू विच वी होप टू एनेबल चिल्ड्रन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. हेनरी जे ओटो ने करिकुलम को एक वाहन की संज्ञा की है जिस पर बैठकर बच्चा जो है अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है. नाउ What is the need and importance of curriculum construction? अब हम बात करेंगे कि curriculum की, अभी तक हमने बात की, अब हम बात करेंगे curriculum construction की, कि पाठ्यक्रम के निर्माण. बच्चों पाठ्यक्रम जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब बदलता रहता है. जैसे जैसे हमारे सोशल चेंजेस होते रहते हैं उसके हिसाब से ये बदलता रहता है. तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है? रिफ्रेम होता है. अगेन एंड अगेन इसकी कंस्ट्रक्शन होती है. जैसे कि हमारा सिलेबस चेंज होता रहता है. आपका बीएड कोर्स का जो भी सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है. करिकुलम था वो चेंज हुआ है ना. तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या आवश्यकता है करिकुलम के निर्माण की. सबसे पहले क्या है? इट प्रोवाइड्स क्लियर पर्पस एंड गोल्स. क्लियर पर्पस किसका? जो भी हमारा कोर्स है, ठीक है, जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसका क्या गोल है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उन सब का जो है ये एक क्लियर डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करता है. दूसरा है अ रेशनल सीक्वेंस. रेशनल सीक्वेंस ऑफ व्हाट? जब भी हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको हम
एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में जो है रखते हैं, उसमें रखा जाता है कि कब कौन सी गतिविधि कराई जानी है, कौन सी गतिविधि कितनी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस जो है करिकुलम प्रोवाइड करता है। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब करिकुलम, जैसा करिकुलम होगा वो अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, ये अपने आप में आपको स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को टीचिंग में यूज करेंगे, और जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो कैसी होंगी, वो बच्चे की एज के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट और उसका जो नीड है उसके हिसाब से जो है डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशनल सिस्टम। करिकुलम को इसलिए भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि क्या है आपका सोसाइटी वाइड, नेशन वाइड जो है एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो एजुकेशनल सिस्टम में। जैसे आपने देखा होगा कि अब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें NCERT द्वारा दी गई बुक्स को, उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए करिकुलम को फॉलो करना सभी स्कूल्स के लिए, चाहे वो HP बोर्ड से है चाहे CBSE बोर्ड से है, सबको उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है ताकि एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द इंडिया एजुकेशन सिस्टम में जो है एक यूनिफॉर्मिटी रहे। नेक्स्ट वन इज द हेल्प टू फुलफिल द सोशल नीड्स। सपोज हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं या ऐसे किसी नेशन में रह रहे हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा स्किल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या मैनुअल वर्क के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो वहाँ पे आपका जो करिकुलम होगा वो थ्योरेटिकल आइडियलिस्टिक ना हो कि कैसा होगा, वोकेशनल कोर्स बेस्ड होगा, जहाँ पे क्या है बच्चे को हाथों द्वारा मतलब कि मैनुअल स्किल्स को डेवलप करने पर बल दिया जाएगा। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है ये सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। टीचिंग तभी सक्सेसफुल है जब लर्निंग हो। तो जो करिकुलम है वो टीचर को या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं इस प्रोसेस से संबंधित हैं उनको एक पाथ प्रोवाइड करता है कि जितना भी नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किसी भी वे में, ठीक है, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज करिकुलम प्रेजेंट्स द विजन ऑफ स्टेट, नेशन और सोसाइटी। जो जैसा हम करिकुलम फ्रेम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमारी स्टेट की, हमारी सोसाइटी की, हमारी नेशन की आइडियलिस्टिक फिलोसफी को जो है प्रेजेंट करता है। जैसे कि जब महात्मा गांधी जी ने वर्धा एजुकेशन की बात की थी, बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की उन्होंने बात की थी, तो उस वक्त हमारी कंट्री में क्या था कि स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर महात्मा गांधी जी ने उस वक्त बल दिया था। तो वो क्या था, एक स्वदेशी अपनाने का विजन जो था महात्मा गांधी जी ने अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है देना चाहा था। तो उन्होंने करिकुलम में क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम को उन्होंने प्रेफरेंस दी थी ताकि बच्चा जो है क्राफ्ट बेस्ड, जितने मतलब वीविंग है, सीविंग है, या मतलब कुछ अपने हाथों से निर्मित करे वस्तुओं का और उन्हीं का प्रयोग करे। तो वो क्या था, वो हमारी उस वक्त की जो डिमांड थी सोसाइटी की, जो सिनेरियो चल रहा था उसके विजन को जो है वो प्रेजेंट करता था वो करिकुलम। नेक्स्ट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल। बहुत सिंपल है, जैसा हमारा करिकुलम होगा, जो हमारा सिलेबस होगा उसको देख देख के हम जो है स्टडी मटेरियल जो है वो बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, ओब्वियसली। लास्ट पॉइंट इज डायनमिक,
करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसा है, करिकुलम कैसा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कैसा है, डायनेमिक इन नेचर, इट्स नॉट स्टैटिक, एक जैसा नहीं रहता है, इट चेंजेस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, चेंजिंग नीड्स ऑफ द नेशन. सो क्यों जरूरत है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने की टाइम टू टाइम, क्यों इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, बिकॉज ये कैसा सोसाइटी कैसी है, डायनेमिक है, चेंजेस हैं, हमारी ज़रूरतें चेंज होती रहती हैं, हमारा विजन चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम. हम मेनली यहाँ पे पांच तरह के करिकुलम की बात करेंगे, सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड, कोर करिकुलम. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम? डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, एज अ नेम सजेस्ट, सब्जेक्ट सेंटर्ड. इस तरह के करिकुलम में सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके चुनाव के ऊपर ही फोकस किया जाता है. इसको अगर हम कहें तो इसको बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं, और इसमें जो है चाइल्ड, ये जो लर्नर है हमारा, उसको टोटली इग्नोर किया जाता है. उसकी क्या नीड है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका कैलिबर है, पोटेंशियल है, इन इस तरह की किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है. सिर्फ ध्यान दिया जाता है सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट को रखना है. नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. एज वी नो, इसमें एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम एक बहुत अच्छा सिस्टम है. इसमें पर्पजफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करवाएंगे क्लासरूम में एक्टिविटी के नाम पे, तो ऐसा नहीं है. पर्पजफुल एक्टिविटी जिससे जो है सम काइंड ऑफ लर्निंग जो है वो हो सके, उस तरह की एक्टिविटीज़ को इस तरह के करिकुलम में किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर बच्चा जो है अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने हैंड्स के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे टोटली फिक्स होता है. नाउ नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस काइंड ऑफ करिकुलम इज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, नीड एंड पोटेंशियल ऑफ लर्नर. ठीक है, बच्चे का क्या कैलिबर है, क्या वो सीखना चाहता है, क्या उसके सीखने की स्पीड है, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में रखा जाता है. इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा किंडरगार्टन सिस्टम था, हमारे मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट मेथड होते हैं, उसमें क्या है, चाइल्ड अपनी पेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल के हिसाब से जो है लर्न करता है. नेक्स्ट इज क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम. अब क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, दिस करिकुलम लेज एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ वेरियस क्राफ्ट्स सच एज स्पिनिंग, वीविंग, वुड वर्क, लेदर वर्क एटसेट्रा. जो मैं अभी महात्मा गांधी जी की बेसिक एजुकेशन की बात कर रही थी, वो कैसा करिकुलम था, वो था क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें बच्चा क्या है, नए कुछ अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके जो है नई चीज़ों का निर्माण करेगा, या कुछ यूजफुल चीज़ों को जो है बनाएगा, जैसे निटिंग करेगा, सीविंग करेगा, स्पिनिंग करेगा, वुड वर्क है, मतलब लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाना, चाहे वो आपका फर्नीचर टाइप में हो या फिर कुछ डेकोरेटिव वे में हो, है ना. तो इस तरीके की सभी चीज़ों का निर्माण जो है क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम में किया जाता है. नाउ द लास्ट वन, इट इज कोर करिकुलम. माय डियर स्टूडेंट्स, कोर करिकुलम क्या है? इस तरह के करिकुलम में किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब उसको एज अ मेजर कंसिडर किया जाता है, बाकी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपका भी रूसा के अंतर्गत भी जो था, उसमें आपको एक जो है, एक या दो या तीन जितने भी हैं, आपको कुछ एक मेजर सब्जेक्ट जो है ले ऑप्ट करने होते थे, और जो है कुछ एक ऑप्शनल.
तो जो कोर करिकुलम होता है इसमें किन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और कुछ को जो है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये था आज का जो टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंटेंशन। थैंक यू वेरी मच।